जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। वाकई इस देश की सरकार की उदासीनता, उनकी लापरवाही और यहां की जनता की जाहिलियत पर मुझे शर्म आती है, हैरत भी होती है। क्या आप जानते हैं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहा है कि 10 में से 3 लोग जो गांव का रुख कर रहे हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इतनी बड़ी खबर और इसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। 10 में से 3 लोग, इसके मायने समझते हैं आप? लाखों लोग इस वक्त पलायन कर चुके हैं गांव का। 10 में से 3 लोग, अगर मैं सरकार की मानूं तो इसके मायने क्या हैं? विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा। मगर ये दूसरी तस्वीर देखिए, इंदौर की तस्वीर है। इंदौर में जनता जो कोरोना वायरस की जांच करने आए हैं, डॉक्टर्स उन्हें भगा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं। यह बर्ताव आप कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनका दर्जा आज की तारीख में देवदूतों से कम नहीं है, ईश्वर या खुदा के बंदों से कम नहीं है। यह बर्ताव आप उनके साथ कर रहे हैं। मगर शुरुआत में उस खबर के साथ करना चाहूंगा जो हम सबके लिए चिंता करने वाली बात है, और मुझे हैरत इस बात की है कि यह बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कही है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कही है, मगर इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। कोरोना वायरस के कारण दिल्ली से पलायन कर रहे दिहाड़ी मजदूर के लिए खाना और ठहरने का इंतजाम वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इस बात की संभावना है कि शहरों से ग्रामीण इलाकों में पलायन करने वाले 10 में से 3 व्यक्ति कोरोना वायरस लेकर जा रहे हैं। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबडे और न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की पीठ को बताया कि अब तक एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर 28 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके मायने आप समझते हैं, 10 में से 3 लोग। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर यह संकट सामने उभर कर आए जिसमें 10 में से 3 लोग कोरोना वायरस संक्रमित हो सकते हैं तो यह किसकी वजह से है? जब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि हम 21 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं तो क्या आपने किसी भी राज्य के साथ मशवरा किया था? बताइए। आज की तारीख में पंजाब 150 करोड़ रुपए की सहायता मांग रहा है, जैसा कि यह खत बता रहा है। आज की तारीख में कई ऐसे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जब यह फैसला लिया था तो हमसे मशवरा नहीं किया था, और अब आप यह कह रहे हैं कि 10 में से 3 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और वो हमारे गांव की तरफ जा रहे हैं। हमारे गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर वहां पर कोरोना महामारी का ज्वालामुखी फूट पड़ता है तो क्या असर होगा उसका, बताइए। प्रधानमंत्री ने आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की। आज तमाम मुख्यमंत्रियों के जहन में यही आशंका है कि केंद्र सरकार ने फैसला तो ले लिया मगर इस फैसले में जो प्लानिंग की जानी चाहिए थी वो पूरी तरह से खत्म है। और प्लानिंग के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जा रहा है? बेवजह हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को ले आया गया है, निजामुद्दीन में जो मरकज हुई थी उसके बहाने। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, मगर जो दूसरी अहम बात उन्होंने कही है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि हमने 17 जनवरी से ही तैयारी शुरू कर दी थी। केंद्र सरकार यह कहती है सुप्रीम कोर्ट में कि 5 जनवरी को पहला मामला आया था और उसके बाद 17 जनवरी से हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। तो आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा। आपके सामने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर यह संदेश छपा है जिसमें बताया गया है कि जो भी कोरोना प्रभावित इलाकों से लोग आ रहे हैं वो अपनी जांच कराएंगे, उनकी क्वारंटीन होगी। मेरा प्रश्न आपसे, आप कह रहे हैं 17 जनवरी से आपने कार्रवाई शुरू कर दी, ये जो अधिसूचना है वो 26 जनवरी को लागू की गई, लगाई गई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। बात यहां नहीं रुकी। आप जानते हैं कनिका कपूर, ये बाहर से आती है,
कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का FIR साफ तौर पर कहता है कि इन्हें यह मशवरा दिया गया था कि वो अपने आप को क्वारंटीन रखें, अस्पताल जाएं, मगर कनिका कपूर पर इस तरह की कोई बंदिश नहीं थी। ये महिला पार्टीज में गई और वहां से उसने कई लोगों को संभवतः कोरोना वायरस से संक्रमित करा दिया। बात वो नहीं है, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। 25-26 फरवरी को क्या हुआ याद ना आपको? देश में आए थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लाखों की भीड़ गुजरात में उनके स्वागत के लिए आई थी। मोटेरा स्टेडियम में आपने देखा होगा किस तरह से वहां पर मौजूद थी हजारों हजारों की भीड़। तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां आए हुए थे, क्या आपने किसी तरह की कोई सावधानी बरती? बात यहां नहीं रुकी। मध्य प्रदेश का सियासी प्रकरण, मध्य प्रदेश सरकार ने, कमलनाथ की मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम इसलिए सेशन नहीं बुलवा सकते क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा है। और इसी के चलते उस वक्त के स्पीकर NN प्रजापति ने जो सत्र है उसे 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। मगर जब भारतीय जनता पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कहा नहीं, आप अभी सत्र करवाइए। विश्वास मत हार गई कमलनाथ सरकार, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद क्या होता है, जब शिवराज सिंह चौहान पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं तब इस कदर भीड़ वहां मौजूद होती है। क्या तब आपने इन चीजों का ध्यान रखा था? जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने यह हलफनामा दायर कर रही है, यह बात कह रही है कि हमने तमाम चीजों का ध्यान रखा, तो क्या आपने इस तरह से तमाम चीजों का ध्यान रखा? अगर आप मुद्दे की गंभीरता समझ रहे थे तो आपके सामने एक और स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान है, किसी और का नहीं है। यह बयान क्या कहता है, कोरोना वायरस इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी, नो नीड टू पैनिक। ये कोई गंभीर संकट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी और ने नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। अब आप मुझे बताने की कृपा करें कि आखिर क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाम बातें कही जबकि जमीन पर जो हो रहा था वो आपके दावों के से काफी जुदा था, उससे काफी उलट था। क्या यह सवाल पूछा जाना जरूरी नहीं है? और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में लगातार ये खबरें उभर कर आ रही थी कि हमारे डॉक्टर्स के पास PPE नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि मास्क, ग्लव्स, तमाम जो चीजें। अब आपके सामने दिल्ली से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। क्या आप जानते हैं, हिंदू राव अस्पताल से डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि प्रशासन, सरकार उन पर जोर डाल रही है कि आप कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज करें, मगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास सामान ही नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने का। तो जब आपके पास मास्क नहीं है, आपके पास ग्लव्स नहीं है, आपके पास वो जरिया नहीं है जिसके जरिए आप लोगों का इलाज कर सकें, तो आप लोगों को कैसे बचाएंगे? आपके सामने ये खबर। तो आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब सरकार ये कह रही कि हमारी तैयारी 15 जनवरी से थी या 17 जनवरी से थी, तो उसके प्रमाण कहां हैं? और दुख की बात यह है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो एक बहुत ही मुश्किल जंग का सामना कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं, और इस बात को ना सरकार समझ रही है ना देश की जनता। इंदौर में देखिए क्या हुआ, इंदौर में इस वीडियो को देखिए किस तरह से लोग दौड़ा रही है उन डॉक्टर्स को जो एक महिला की जांच करने आए थे। क्या इन लोगों के पास कोई भी तर्क है कि तुम उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो तुम्हारी जांच करने आए हैं? क्या तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यताएं ज्यादा जरूरी हैं बजाय कि आपकी सेहत के? अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए, इस खबर पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं सोलापुर में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई? क्यों? क्योंकि वहां पर एक स्थानीय मंदिर में एक स्थानीय देवता हैं और शाम को लोगों ने रथ यात्रा निकालनी शुरू की। पुलिस ने जब रोका कि भाई इतनी भीड़ है, आप रथ यात्रा कैसे निकाल सकते हैं, नतीजा लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। ये जो बीमारी है, आप जानते हैं दुनिया भर में कितने लोग मारे जा चुके हैं, और भारत जैसे देश में अगर ये फैल गई तो आप जानते हैं कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। क्या आपको यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही? बताइए। आप जानते हैं तबलीगी जमात की बैठक हुई थी निजामुद्दीन में,
और उसके बाद जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया, इन्हें लेकर जाया गया जहां पर, वहां से प्रशासन यह शिकायत कर रहा है कि जिन लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है वो लोग डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हैं। क्या ये डॉक्टर्स आपको मजाक करने के लिए यहां पर लेकर आए हैं कि अब आप उन डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हैं? हम अंदर से अपनी इंसानियत को इस कदर खो सकते हैं कि नंबर एक, पहले तो हम उन डॉक्टर्स को मदद नहीं देते सरकारी स्तर पर, और जब ये डॉक्टर्स आपका इलाज कर रहे हैं तो आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। क्या कोई जवाब है आपके पास? पूरे देश में अब इस मुद्दे को पूरी तरह से मोड़ा जा रहा है, इसको धार्मिक किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा था, न्यूज चैनल्स को अब तक मेहनत करनी पड़ रही थी इस मुद्दे पर, कोरोना वायरस के बारे में पढ़ना पड़ रहा था। अब चूंकि निजामुद्दीन का यह मामला सामने उभर कर आ गया है, लिहाजा सभी न्यूज चैनल्स ने इसे हिंदू मुस्लिम कर दिया है, पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कोरोना जिहाद का। जबकि यह खबर आपने देखी है पंजाब से, पंजाब से यह बहुत ही शॉकिंग खबर है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से लोगों ने सोलापुर में जो रथ यात्रा हुई, जहां जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पुलिस पर पत्थर मारे, उसकी भी कोई चर्चा नहीं हो रही। अब यह खबर देखिए, करीब 90,000 एनआरआईज मार्च के महीने में, 90,000 कम से 1,00,000 तक एनआरआईज पंजाब में उन्होंने प्रवेश किया। इसके अलावा एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर, जिनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर हैं, वो इटली से आई, फ्रांस से आई, खुला घूमती रही, मगर उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाया गया। ये पंजाब के हाल है। और जब बीबी जागीर कौर से पूछा गया, उनसे कहा कि हां जब मैं एयरपोर्ट में आई थी किसी ने मेरा टेम्परेचर लिया, मगर ना मुझे किसी ने क्वारंटीन में जाने के लिए कहा, ना आइसोलेशन में जाने के लिए कहा, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। और ये एनआरआईज, करीब 90,000 एनआरआईज इस वक्त घूम रहे हैं पंजाब में। हम नहीं जानते कि इनकी क्या हालत है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि यह मामला उग्र नहीं होगा, इस मामले पर हम काबू पा लेंगे देर सवेर, मगर जो तमाम हमारे सामने सबूत उभर कर आ रहे हैं, हमारे तमाम सामने जो खबरें आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि इस देश की जनता, इस देश की सरकार, इस देश का मीडिया एक निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। मेरी आप सबसे अपील कि इस मुद्दे को मजहबी मत बनाइए। जो तमाम आप मिसालें देख रहे हैं ना, चाहे वो निजामुद्दीन में तबलीग जमात का मौलाना साद हो, या जिस तरह की आपने मिसाल सोलापुर में देखी, या जिस तरह की मिसाल आप पंजाब से देख रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को धार्मिक मत बनाइए। देखिए, मूर्खता का कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता मूर्खता का। ये तमाम जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये लोग जाहिल लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। वो ये नहीं समझ रहे कि आज की तारीख में धर्म के नाम पर या विश्वास के नाम पर ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप और हम सबको इससे आगाह रहना होगा, क्योंकि आने वाले दिन निहायत ही चुनौतीपूर्ण है। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।